जैविक खेती गाय पालन चैनल में आपका स्वागत। आज हम आपको गमले में या थर्माकोल के बॉक्स में घर पे करेले कैसे लगा सकते हैं उसकी विस्तृत जानकारी देंगे। तो बिना स्क्रिप्ट के वीडियो को देखिए और इस प्रकार से आप अपने घर पे लगा सकते हैं। हमने ये कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट मिक्स पेस्ट लिया है और इसके अंदर हमने एलोवेरा के छोटे छोटे पाउच इस प्रकार से काट कर लगा दिए और पका हुआ करेला लिया है और उसको इस प्रकार से ये हमने बीज लगाए। और लगाने के बाद में इसमें पानी दिया है। ये एलोवेरा की जाल इसलिए लगाई ताकि ये फंगस ना लगे। और इसके बाद में थर्माकोल का बॉक्स ले लिया और इसको चारों तरफ हमने पॉलीथीन से लपेट लिया और ये हमने ये बोतल ले ली और बोतल के अंदर हमने इस प्रकार से छेद कर लिया। छेद करने के बाद में सूती कपड़ा इसमें डाला हमने और प्रॉपर तरीके से हमने ये खाद तैयार कर लिया। इसमें ग्रीन मेनोग्लू में हम पत्ते डाले और कुछ मात्रा में इसमें हमने नीम के पत्ते डाले और इस प्रकार से पहले से तैयार पौधे हमने इसके दो एक पेड़ गए एक थर्माकोल के बॉक्स के अंदर पेड़ डाले और इनमें पानी डाला, बोतल के अंदर पानी डाला और इस प्रकार से इनको सेट कर दिया ताकि प्रॉपर तरीके से पानी मिलता रहे। और इसकी 10 से 15 दिन बाद में हमने गुड़ाई की और हमने इसमें पानी की प्रॉपर मात्रा लगा दी और इसमें खाद के रूप में हमने सिंगल सुपर फॉस्फेट डाला और एनपीके डाला। और अभी इसमें हम ऊपर की तरफ बेल चढ़े इसके लिए हमने ये स्टैंड बना लिया लकड़ियों को कपच्चियों का मिक्स करके और इस प्रकार से इसको क्लिप की मदद से हम बांध रहे हैं। पोलिनेशन का काम हमको कराना है क्योंकि यहाँ मधुमक्खियाँ नहीं है तो मेल फूल को लेकर फीमेल से टच करना ताकि अधिक उत्पादन आए। और हम ये अभी इस प्रकार से हमने लहसुन की कलियाँ ली और उनका स्प्रे करने का काम किया ताकि पत्तों के ऊपर अनावश्यक कीट ना सके। और आप देखिए आज ये 60 दिन बाद में इसमें बढ़िया मात्रा में करेले आए हैं और ये दोन चार पौधों पे आप देखिए कम से कम 4 से 5 किलो तक करेले आ गए और लंबे वाली वेराइटी में आ गए। इसमें आपको प्रॉपर तरीके से स्प्रे करना है और खाद का मेनू सही रखना है और खाद का बैलेंस से रखोगे तो इस प्रकार से आपको मिलेगा। दी जानकारी आपको बढ़िया लगी होगी। चैनल पे नहीं हो तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर मिलते हैं ऐसे वीडियो। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।